सैम सेकंड सैम सेकंड सैम फर्स्ट सैम के एग्जाम देके अब मन नहीं कर रहा मैम पढ़ने का, बस अब तो लग रहा है कि यार फार्मेसी तो ऐसे ही हो जाती है जहां पे सीनियर भी ये बोले कि यार कुछ नहीं होता बस लिख के आ जाना कॉपी भर के आ जाना पास हो जाएगा, जहां पे टीचर्स भी ये बोले कोई बात नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया तो क्या हुआ सेकंड सेमेस्टर में बैक का एग्जाम दे लेना तब पास हो जाएगा, तो ऐसे एटमोसफेयर में बच्चा कैसे ग्रो करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेक्टर कहां जाना चाह रहा है, बी फार्म का बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसकी मेंटेलिटी हो रही है। आप लोग अपने बारे में सोचो बेटा, आप लोग खुद चलो प्रैक्टिकली देख लेना, आप अपने थर्ड ईयर वाले सीनियर से जाके पूछना कि सर आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं जो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, हर एक बंदे का यही आंसर होगा अरे वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं, वो वहां घूम रहा है वो वहां घूम रहा है, एक दो बंदा होगा जो कि सेटल हो गया होगा, लेकिन 60 में से एक दो बंदे के सेटल होने का मतलब है 58 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या आपको उन दो बच्चों में आना है या फिर आपको उन ऐसे ही घूम रहे वालों में आना है, तो समझ जाओ ये सेक्टर बहुत बेकार हो रहा है, आप लोग खुद को बेकार मत होने दो, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हो, न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं सेकंड सेम में पढ़ने के लिए जरूरत है आप ये नोटबुक अपने घर पे मंगवाओ, बिकॉज इसके अंदर चारों सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं और हर एक सब्जेक्ट की हर एक यूनिट के बाद इस बार एक्सरसाइज भी दी गई है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे पॉइंट किए हैं जो कि आपके मेन एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे, हम जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं शायद मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए उतने मेहनत नहीं कर रहे हो ना ही आप अपने लिए उतना सीरियस हो, सो प्लीज बी अवेयर फार्मेसी की डिग्री पैसा नहीं देगी, पैसा देगा आपका नॉलेज, पैसा देगा आपका एक्सपीरियंस आपकी स्किल्स, तो प्लीज उन पे फोकस करो, अपने मां बाप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।